अस्सलामुअलैकुम। ये था HP LaserJet 2727 ऑल इन वन, ठीक है, कॉपियर, फैक्स, स्कैनर और प्रिंटर ऑल इन वन। अब इसके हम ट्रे नंबर 2 में पेपर डाल देते हैं, ट्रे को एडजस्ट कर लें अच्छी तरह से। अगर A4 पेपर है तो इसको A4 पे सेट कर लें, लीगल है तो लीगल पे सेट कर लें। एक को बंद करने के बाद अब हम इसका एक टेस्ट पेज ले लेते हैं। प्रिंट सेटिंग में जाके कॉपी रिपोर्ट्स में जाए, प्रिंटर को डिमो पेज करना है। ये इसका टेस्ट पेज आ गया और इसकी प्रिंटिंग स्पीड है 27 पेपर पर मिनट, ठीक है, और ये ब्लू साइडेड भी है और फैक्स भी है, इसमें नेटवर्किंग भी हो सकती है इसकी। ये इसका टेस्ट पेज है। इसके बाद इसके मेन स्कैनर से कॉपी करके देखते हैं। यहाँ से लाइट टॉर्क हो जाएगा इस बटन से, अगर आपने लाइट करना है तो इस तरफ और डार्क करना है तो इस तरफ, ओके। इसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज, जितनी कॉपियाँ आपने करनी है सिलेक्ट कर लेनी है, कॉपी के बटन को प्रेस कर देना है। दो कॉपियाँ हमने लिखी थी, 2 प्रिंट इसके आ गए। इसके बाद इसका ADF यूनिट चेक करते हैं। इसमें आप लीगल कर सकते हैं कॉपी। मेन स्कैनर सिर्फ A4 का है, ठीक है, अगर आपका पेपर लीगल है तो इसको ऊपर से ADF पे लगाना पड़ेगा। और टू साइडेड ये वन साइडेड जैसे भी आपने कॉपी करनी है, ये मैंने 2 साइडेड की है, ये ऑटोमेटिक दोनों तरफ से कॉपी करेगा, ठीक है, ये दोनों तरफ से पेज को स्कैन करेगा, उसके बाद इसके दोनों तरफ से कॉपी करेगा। इसके बाद अगर आपने स्कैनर से करनी है डबल साइड कॉपी तो आप 1 2 2 करेंगे, ठीक है, 1 2 2, यानी कि आप पहले एक पेपर स्कैनर पे रखेंगे, उसको स्कैन कर लेंगे, ठीक है। स्कैन करने के बाद ऑप्शन आ जाएगी कि आप ओके प्रेस करें और उसके ऊपर से स्कैन से दूसरी साइड कर लें, ठीक है। इस तरह से मैनुअल भी दोनों साइडों पे प्रिंट कर सकते, ठीक है। ओके कर देना, ये स्कैन कर लेगा, दूसरी साइड को भी स्कैन करने के बाद दोनों साइड को प्रिंट कर। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर आपने और पेपर करने हैं तो फिर ओके कर देंगे, नहीं तो इसको कैंसिल कर देंगे। जितना स्कैन हो गया वो प्रिंट हो गया। देखें दोनों साइडों से ये प्रिंट हो गया। उसके बाद इसके बटन्स के मतलब इंफॉर्मेशन, ये जो बटन है ये स्कैनर के हैं, यानी कि स्कैन PC में स्कैन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट PC में लेके जाना है तो यहाँ से आप सेंड टू स्कैन टू करेंगे तो ये आगे से ऑप्शन कंप्यूटर मांग लेगा, ठीक है। स्कैनर की वेटिंग पर PC आ गया, तो यहाँ से जब आपका कंप्यूटर के साथ ये कनेक्टेड होगा तो जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर रखेंगे स्कैन होकर ये पीसी में चला जाएगा, वहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बटन है लाइट डार्क का। ठीक है, यहाँ से आप इसको लाइट और डार्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेपर का है ऑप्शन, पेपर, लेटर, लीगल और A4। यानी कि जब आप ADF से स्कैन करेंगे कोई लीगल पेपर तो यहाँ पे भी आपको लीगल ही करना पड़ेगा, तब ही जाके वो पूरी कॉपी आएगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़ है, यहाँ पे आप लिखें कितनी कॉपियाँ करनी है, फिर करो 10। फिर रिड्यूस इन लार्ज के ऑप्शन, यानी कि जो चीज़ आपने स्कैनर के पे रखी है उसको बड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वालिटी, यानी कि टेक्स्ट पे आपने रखना है, मिक्स रखना है, पिक्चर पे रखना है या फिल्म फ़ोटो पे। इसकी वैसे टेक्स्ट पे ही बेस्ट रहती है फ़ोटो कॉपी के लिए। इसके बाद टू साइडेड की ऑप्शन आ गई, यहाँ पे आप इसको टू साइडेड 2x2 करेंगे, दोनों साइड से कॉपी करेगा ADF से। ठीक है, ये सारी सेटिंग है इसमें टू साइडेड के मतलब। कोलेक्ट की ऑप्शन आ गई, कोलेशन को जैसे हम प्रिंटिंग के दौरान ऑन ऑफ करते हैं उसी तरह की यही ऑप्शन है, कॉपी के लिए भी है यही ऑप्शन। इसके बाद ट्रे की ऑप्शन है, ऑटो सेलेक्ट पे अगर ट्रे 1 पे यहाँ पे पेपर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ही ट्रे 2 से उठा लेगा, अगर यहाँ पे पेपर है तो ऑटोमेटिक यहाँ से उठाएगा, ट्रे 2 से नहीं उठाएगा। ट्रे 1 करेंगे तो यहाँ से बाईपास से ही पेपर उठाएगा, नीचे से नहीं उठाएगा। ट्रे 2 करेंगे तो बाईपास से पेपर नहीं उठाएगा, ट्रे 2 से ही उठाएगा। तो ये दोनों ट्रेज की ऑप्शन है पेपर के मतलब। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कॉपी का बटन है कॉपी स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद ये कैंसिल का बटन है, ये सेटअप है इसका। फिर ये आगे बटन नंबर ऑफ़ कॉपीज़ लिखने के लिए, और यहाँ से आपका फैक्स का हिस्सा आ गया, यहाँ से आप फैक्स करना चाहें, फ़ोन बुक है इसमें, वॉल्यूम है, रेडियल है, या फैक्स स्टार्ट की ऑप्शन है। ठीक है, बाकी आप सेटिंग में मज़ीद सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें कॉपी सेटअप है, इसमें क्वालिटी सेट कर सकते हैं, यानी कि आप हमेशा टेक्स्ट पे रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे कर लें। इसी तरह इसमें रिपोर्ट्स हैं, फैक्स का सेटअप है, रिपोर्ट्स में डीमो पेज है। रिपोर्ट्स में कॉन्फ़िगर रिपोर्ट, सप्लाई स्टेटस, इसमें आपके कार्ट्रिज के मतलब इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, ओके क्लिक कर देंगे तो ये प्रिंट आउट दे देगा। ठीक है, इस प्रिंट में सारी कार्ट्रिज के मतलब ही इंफॉर्मेशन होगी, उसका मॉडल और उसका सप्लाई स्टेटस सब कुछ होगा इसमें। ठीक है, तो ये था HP LaserJet 2727। बहुत अच्छा कॉपियर है ऑफिस और शॉप्स के लिए।